हाय एवरीवन, शिक्षा एजुकेशन हब। हम टीचर्स वाले चैप्टर को भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमने बोला था लास्ट लेक्चर में उत्तक और उसके प्रकार। तो प्लांट टिश्यू हमने शुरू कर दिए थे, और प्लांट टिश्यू में हमने सबसे पहले टाइप कंप्लीट कर ली थी, दैट इज अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था PCS से याद रख लेना, P for parenchyma, C for collenchyma and S for sclerenchyma। एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो परमानेंट टिश्यू यानी कि अब जो उत्तक है वो आपका स्थायी है, पूरी तरह से स्टेगनेंट हो चुका है। स्टेगनेंट का मतलब है कि इसमें डिवीजन नहीं होगी, यानी कि जो आपका पौधा है, प्लांट है, उसने जितनी हाइट थी वो कर ली है। अब बस एक ही काम रहेगा, वो रहेगा रिपेयरिंग का, कि अगर चोट वोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने का। तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज का। अब यहाँ पे टाइप्स देखी थी, तो PCS से बोला था मैंने आपको याद करने के लिए, P for parenchyma, C for collenchyma and S for sclerenchyma। और ये हिंदी में भी प्रोनंसिएशन आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। सो सबसे पहले parenchyma टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। parenchyma टिश्यू आपके पूरे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रूट हो गया, शूट हो गया, शूट का कोई सा भी हिस्सा, स्टेम आगे, ब्रांच आगे, लीव आगे, फ्लावर्स आगे, फ्रूट्स आगे, जो मर्जी हिस्सा देख लो, वहां पे parenchyma टिश्यू इज प्रेजेंट। सेल वॉल जो होती है वो काफी पतली होती है, और जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं वो सर्कुलर हो सकते हैं, पॉलीगनल होते हैं, मल्टीपल शेप्स के हो सकते हैं। सेल की शेप तो आपने यहाँ पे याद नहीं रखनी, पर हाँ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अंतरकोशीय जो गैप्स होते हैं, जगह होती है, वो प्रेजेंट क्यों प्रेजेंट होती है, इनका भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पैरेन्काइमा टिश्यू देखो, खाली सा स्पेस दिख रहा होगा आपको सेल्स के बीच, तो ये जो गैप है ना, This gap is known as intercellular space, अंतःकोशीय parenchyma tissue। उत्तक कौन सा है? तो parenchyma वाला है, ठीक है। तो इस तरह से gaps present होते हैं। अब इन gaps का भी कुछ important role है, जिसके बारे में अभी बताऊंगी आपको, पर पहले याद कर लो इसका structure। अब ये आपने कुछ ऐसे flowers देखे होंगे जो कि पानी के ऊपर proper तैर रहे होते हैं, plants होते हैं ये। फिर आप सोचोगे कि इसकी जड़ें कहाँ गई? जड़ें तो हमने कहाँ पड़ी होती है? हमेशा soil के नीचे। तो इनकी जड़ें कहाँ पे हैं? तो इनकी जड़ों का बन चुका होता है parenchyma। ऐसे parenchyma जिनके सेल्स के बीच में बड़ा ज्यादा गैप आ जाता है, और जिस गैप की वजह से बॉयंसी आती है, और बॉयंसी जो होती है ये किसी भी चीज को फ्लोट करने में हेल्प करती है। देखा होगा आपने राफ्टिंग, अगर रिवर राफ्टिंग वगैरह करी हो तो वहां पे रबर के बैग होते हैं ना, उसमें हवा ही तो भरी होती है। तो उसी तरह से parenchyma के अंदर भी बड़े ज्यादा गैप्स होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं, और इसी वजह से parenchyma उनको बोल दिया गया है। कहीं ना कहीं parenchyma आपको एयर की साउंड दे रहा होगा। तो ये जो जितने भी आपने लोटस देखा होगा, कमल का फूल, वाटर लिली अगर देखा, फिर उसके बाद हाइसिंथ आपने सुना होगा, एक वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल भी जिसको बोलते हैं। तो ये सारे जो फ्लावर्स होते हैं ये आपके फ्लोट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ parenchyma। अब कई parenchyma ने क्या करना है, क्लोरोफिल भी रख लेंगे अपने पास। तो अगर क्लोरोफिल अगर उनके पास प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, तो ये वो प्रकाश संश्लेषण भी करेंगे, उसकी प्रक्रिया को भी करेंगे। तो इसका मतलब है फूड भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फूड मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे उनका नाम parenchyma ना रह के बन जाता है chlorenchyma। अभी इस नाम की जेनेसिस बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखो parenchyma इस तरह से है आपका, एंड दूसरा बोला कि इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल का क्लोर उठा लिया और parenchyma का काइमा उठा लिया इस तरह से, और बना दिया chlorenchyma, chlorenchyma इस तरह से दोनों का नाम बना दिया, chlorenchyma बोल दिया। मतलब ऐसा parenchyma उत्तक जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट था, ठीक है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे, तो एक बार पिछले लेक्चर्स भी गो थ्रू करते रहें। अब ये जो फोटो है यहाँ पे, ये वाटर लिली की दिखाई हुई है आपको, ठीक है, वाटर लिली। नेक्स्ट चलते हैं collenchyma। अब सी फॉर collenchyma, सी फॉर क्लाइंबर प्लांट्स। क्लाइंबर प्लांट्स आपने बचपन में पढ़ी होंगी, कैसे थे? मटर का आपने कभी अगर देखा हो पौधा, तो उसमें ऐसे कुछ पतले पतले से धागे से लगे होते हैं, और उन धागों की हेल्प से वो सपोर्ट लेके ऊपर को ग्रो करता है। फिर आपने ये लाठी तोड़ी भी होगी बचपन में, तोड़ देते होंगे, आपको क्या पड़ी है, कहीं इस टेंड्रिल को तोड़ देते होंगे। तो ये जो टेंड्रिल होती है ये बड़ी सॉफ्ट होती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया टेंड्रिल। तो collenchyma क्या करता है, ऐसे टेंड्रिल प्रोड्यूस करता है, इन टेंड्रिल्स के अंदर collenchyma प्रेजेंट होता है, और क्या काम रहता है, तो मेन काम रहता है सपोर्ट का, फ्लेक्सिबिलिटी का,
बेंड करना हो आपको प्लांट को, तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा, पोलन काइमा, ठीक है। तो ये लीफ स्टॉक वगैरह में या डाइकॉट की स्टेम में प्रेजेंट होता है। नाउ डाइकॉट क्या होता है, तो डाइकॉट को आप याद रख सकते हो, आपने देखा होगा बादाम देखा होगा ढंग से, तो जब आपने ना रात को भिगोने डाला होता है, सुबह आप देखते हो तो उसके दो पीस बन के आ जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं ना बीच से, दोनों बराबर शेप्स में आते हैं, तो वही हुआ डाइकॉट। डाई का मतलब हो गया यहाँ पे दुई, यानी कि कोई चीज है जो कि दो है, और यहाँ पे क्या है, कॉट है, कॉट का मतलब कॉटिलेडन, कॉटिलेडन का मतलब सीड की बात हो रही है, बीज की बात हो रही है, तो दुई बीज पत्री जो होती है उसको बोल देते हैं डाइकॉट। तो उनके अंदर भी आपको कॉलेनकाइमा के टिश्यू मिल जाते हैं। तो जितने भी सी फॉर कॉलेनकाइमा एंड सी फॉर क्लाइंबर्स, जितने भी आपके ये कॉलेनकाइमा होते हैं, जितने भी क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, उन सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टेंड्रिल होता है ये स्टेम से भी ग्रो कर जाता है, कई बार लीफ से भी निकला होता है, तो लीफ जाएगा अगर पत्ते पे है, और अगर तने से निकला हुआ है तो उसको स्टेम बोल देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हमने पढ़े थे, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में हमने क्या क्या देखा, देखी थी कि एक तो इसमें लिग्निन होगा। प्लांट सेल में हमने पढ़ा था ना कि सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज ही बहुत थिक हो जाता है, यानी कि सेल वॉल जो कोशिका की भित्ति थी जो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो बन जाते हैं लिग्निन। लिग्निन के अंदर एक और कंपोनेंट होता है जिसको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो तो उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सुब्रीन, ठीक है। और लिग्निन और सुब्रीन अगर आपके सामने रख दिए जाए तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों ही ब्राउन कलर के होते हैं, थोड़ा सा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। उसके अलावा इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होंगे वो यहाँ पे एब्सेंट नहीं है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं बोलूं, आपने नारियल जरूर देखा होगा, नारियल अगर देखा है तो नारियल की आपने हस्क भी देखी होगी, जो छिलका होता है वो भी देखा होगा, तो कौन सा टिश्यू होता है आपका, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या काम होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के ये बने होते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं, कॉमन फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। कैसे, आपने हमेशा सुना होगा जाइलम, एक सुना होगा फ्लोएम। देखो पहले तो जाइलम और फ्लोएम में फ्लोएम वाला याद रखो, फ्लोएम कहीं ना कहीं फॉर की साउंड दे रहा है, एंड फूड अगर मैं बोलूँ तो फूड भी किस चीज की साउंड दे रहा है, फॉर की। तो फ्लोएम जो होगा वो आपके पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड बनता कहाँ है, तो पत्तों के पास बनता है, क्योंकि हमने पत्तों को बोला था कि किचन ऑफ द सेल है, ठीक है, फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल है। तो पत्ते क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्लांट को जो फूड सप्लाई करनी होती है तो किसके थ्रू करते हैं, फ्लोएम के थ्रू करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि फूड को कौन कैरी करता है, तो वो तो फ्लोएम आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में, या फिर मल्टी डायरेक्शनल, बहुत सारी डायरेक्शन में कौन सा टिश्यू कैरी करता है चीजों को, तो वो फ्लोएम आ जाएगा, क्योंकि पत्ते तो साइड में भी होंगे, टॉप पे भी होंगे, इधर भी होंगे, स्टेम नीचे है, रूट नीचे जाके है, तो ये मल्टी डायरेक्शन में फूड को कैरी करेगा। पर जब जाइलम की बात आएगी ना, तो जाइलम कैरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल उसी में वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, और आपको कि जो प्लांट होते हैं वो जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका अब्सोर्शन करते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब्सोर्शन भी जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो टिप होती है, रूट टिप, यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो मिनरल भी चले जाते हैं, जो भी सोइल के अंदर मिनरल होते हैं पानी में मिक्स होके चले जाते हैं। तो पानी का जो फ्लो रहेगा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को ही रहेगा, डाउन टू अपवर्ड ही रहेगा, ठीक है, डाउन टू अपवर्ड ही रहेगा। तो जो जाइलम होता है उसका काम क्या रहता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। तो हम बोल सकते हैं कि जो जाइलम है वो वन वे है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनी का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में ये फ्लो करता है। तो पानी का फ्लो जो होगा वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ को रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है जाइलम। जाइलम की अगर बात करें, हमने ओवरऑल तो स्ट्रक्चर देख लिया, तो कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ को कर रहा है, तो ये आपका पेड़ था, नीचे रूट्स थी, तो रूट से लेके शूट की तरफ, शूट यानी कि जो भी हिस्से हैं उधर की तरफ को लेके जा रहे हैं। एंड इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है, साइलम की जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है। इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, एक ऑप्शन जोड़ देंगे यहाँ पे कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल आपके फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में प्रेजेंट नहीं होती, तो वो चीजें याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। बाकी ट्रैकिड हो गया, देखो पतली सी होगी, जाइलम की ही एक फॉर्म होती है ट्रैकिड, जिसके ऊपर छोटे छोटे पिट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से पानी निकलता रहता है, ठीक
ठीक है, जहां पे भी सप्लाई करनी है वहां पे पानी निकलता रहेगा। उसके बाद वेसल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये थोड़ा सा चौड़ा है तो हम ये बोल सकते हैं जहाँ पे गर्थ ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी वहां पे आपको वेसल्स मिल जाएंगे। उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा आते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, जो भी आपकी साइड ब्रांचेस वगैरह निकलगी जहाँ पे पानी को पहुंचाना थोड़ा सा टफ हो सकता है वहां पे ये स्टोर करके रख लेते हैं, तो जाइलम पैरेन्काइमा। और ऐसा जाइलम पैरेन्काइमा लग गया तो मतलब ये जो टिश्यू रहेंगे ये फूड भी स्टोर करके रहेंगे ताकि जाइलम थके ना। जाइलम फाइबर, इसमें भी सिंपल पीट होते हैं, सीधी लाइन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ जाइलम। सबसे पहले ट्रैकीड हमने देखा तो ऐसा दिख रहा था अपने को, राइट, इसमें पीट पीट प्रेजेंट थे। तो जो जाइलम होता है इसकी एक तो अगर देखोगे तो ट्रैकीड यानी कि ट्यूब की तरह होगा, ट्यूब का मतलब होता है नलिका, ठीक है, इलोंगेटेड है, लंबा है, फिर टेपरिंग एंड है यानी कि ऊपर से एंड देखोगे तो बिल्कुल पतला सा एंड मिलेगा। वाटर को कैसे कंडक्ट कर रहा है, तो पिट्स के थ्रू, ये जो छोटे छोटे छेद बन रखे हैं इसके थ्रू कैरी कर रहा है। एंड इसकी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड है, और हम सेक्लेरेन्काइमा में पढ़ चुके हैं कल भी कि इसकी जो लिग्निन का डेड होता है, सेल वॉल होती डेड है तो लिग्निन भी डेड ही होगा अल्टीमेटली। उसके बाद वेसल्स अगर देखोगे, जाइलम की वाहिकाएं जिनको हम बोल देते हैं, तो वाहिकाएं जो होंगी वो आपको काफी चौड़ी मिलेंगी, होंगी तो ट्यूब की तरह पर आपको काफी चौड़ी मिलेंगी। इसकी सेल वॉल भी डेड होती है यानी कि किसकी बनी होगी, लिग्निन की बनी होगी। एंड टू एंड ये भी जुड़े होंगे यानी कि ये देखो एक ये आ गया, इसके नीचे एक और जुड़ा है, इसी तरह से एक और वेसल जुड़ी होगी तो ये जुड़ी रहती है आपस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का जाइलम में क्या फंक्शन है कि जब जाइलम अपना काम कर रहा है तो उसको फूड प्रोवाइड करते रहना, ये लिविंग होता है नेचर में, तो पैरेन्काइमा इज द ओनली फॉर्म जो कि लिविंग है नेचर में। उसके बाद आती है सेक्लेरेन्काइमा। सेक्लेरेन्काइमा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो भी डेड होती है, मतलब तीनों के फीचर सेम है। यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हो आप कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है सिर्फ उसकी जो अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो सिर्फ लिविंग है, बाकी सभी क्या है, डेड है, क्योंकि बाकी सभी पे लिग्निन प्रेजेंट है, लिग्निन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फ्लोएम पे। फ्लोएम जैसे कि मैंने बोला फोर्थ ही साउंड दे रहा है तो ये फूड कैरी करेगा, पर इसके भी चार टाइप्स हैं उनको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है सीव ट्यूब। सीव आपने देखी होगी घर पे, छन्नी। छन्नी का क्या काम होता है, आटे को छानने का काम रहता है ना, कोई भी चीज छान सकते हो, वैसे रेत की भी एक छन्नी होती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सीव बोलते हैं। छलनी ट्यूब भी बोल देते हैं, छलनी नलिका भी बोल देते हैं, नलिका, ठीक है। ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर रहता है आपका सीव ट्यूब का, देख लो यहाँ पे सीव ट्यूब आपको दिख रही होगी बीच में ये लंबी सी, दिस इज योर सीव ट्यूब। ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, नाली की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसकी वॉल काफी पतली होती है और जो एक सेल होगा वो दूसरे सेल के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होगा, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल प्रेजेंट होगा। और जो एंड में वॉल होती है ना वो पोरस होती है, क्योंकि अगर फूड को एक सेल से दूसरे में पास ऑन करना है तो बीच में गैप तो होना चाहिए ना, तो गैप यहाँ पे पोरस होता है, छेद छेद बने होते हैं, प्रॉपर छेद मिलेंगे। सी प्लेट प्रेजेंट होती है, ये देख लो यहाँ पे जी पूरा स्ट्रक्चर, ये देखो एक सेल है, इसके नीचे एक और सेल है तो इसी के ऊपर एक और सेल होगा, पर हाँ बीच में आपको ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोरस है, एक सेल से जो दूसरे सेल में पास होता चलेगा, क्या पास होगा, तो अल्टीमेटली फूड पास होगा। फिर आते हैं आपके कंपेनियन सेल, यानी कि ये सेल क्या करेंगे, बाकी सेल्स की हेल्प करेंगे, इनका जो काम होता है वो असिस्टेंट की तरह रहता है, ठीक है। इनकी भी जो वॉल होती है वो पतली सी होती है। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन इसके जो सेल्स होंगे वो लिविंग रहेंगे जैसे जाइलम के केस में थे। नाउ पैरेन्काइमा लिखा है तो यहाँ पे फूड स्टोरेज का काम रहता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये साइड में कंडक्शन करवाता है, जैसे जाइलम का पैरेन्काइमा था वो भी साइड में कंडक्ट करवा रहा था वाटर को, तो वैसे फ्लोएम का पैरेन्काइमा रहेगा जो कि फूड को साइड्स में लेके जाएगा। फिर आता है आपका फ्लोएम सेक्लेरेन्काइमा। फ्लोएम सेक्लेरेन्काइमा की बात करें तो सेक्लेरेन्काइमा लिख दिया तो मतलब एक तो डेड होगा और लिग्निन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसका मेन जो काम रहता है वो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हो आप। सारे के सारे यहाँ पे जाइलम के पार्ट बताए गए हैं, एक्सेप्ट कौन नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कंपेनियन सेल। लिग्निन जो होती है वो टिश्यू में प्रेजेंट होती है, किस सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, तो हमने देखा था सेक्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे समरी देख लो, पैरेन्काइमा के अंदर हमने देखे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फूड वगैरह स्टोर करना होता है, वाटर स्टोर करना होता है। उसके बाद बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेसिस थे जिसकी एक फॉर्म निकल के आई। पैरेन्काइमा का क्या मतलब था, एयर फिल्ड, और प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, टेंडेंसी फ्लोट करने की, ठीक है, तैरने की। पॉलेनकाइमा सी फॉर पॉलेनकाइमा, सी फॉर क्लाइंबर, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को आप बेंड कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को जो मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ पॉलेनकाइमा।
फिर आते हैं सेक्लेरियन काइमा पे। सेक्लेरियन काइमा जो होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है, प्रोवाइड्स हार्डनेस और स्टिफनेस। डेड सेल वॉल होती है इसकी भी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिग्निन बन चुका होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जाइलम हमने देख लिया, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड फ्लोएम की अगर बात करें तो ये फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट योर जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे आप शॉर्टकट में देख लो जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है। एक तो लिविंग सेल है, फूड को स्टोर करेगा। जाइलम फाइबर का क्या काम है? डेड सेल है। जाइलम ट्रेकी डेड सेल है। जाइलम वेसल सारे ही डेड है एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के केस में अगर देखोगे तो सीव सेल्स हमने देखे, सीव ट्यूब भी जिसको बोला, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल प्रेजेंट होता है और एंड जो होते हैं वो पोरस होते हैं, यानी कि यहाँ पे छेद छेद बने होते हैं ताकि फूड पास हो सके एक जगह से दूसरी जगह पे। कंपेनियन सेल क्या करते हैं? इन सीव सेल्स की हेल्प करते हैं काम करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं? ये फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करते हैं? ये फूड वगैरह स्टार्च एंड प्रोटीन इनको स्टोर करके रखते हैं। तो एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।